अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज जो बारिश हो रही थी कराची के अंदर, तो सुबह ही सुबह हम लोग उठ गए। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, तो सोचा क्यों ना कुछ अच्छा खा लिया जाए गरम गरम। तो हलवा पूरी मंगाई है हमने आज, तो और साथ में मंगाए हैं लौंग चढ़े जो यहाँ कराची में मिलते हैं खट्टी चटनी के साथ। तो बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको, देखें कितना प्यारा हो रहा है। बिल्कुल काली घटा आई हुई है आज कराची में। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई है। एक दिन हुई है लेकिन बहुत अच्छी बारिश हुई है, तेज़ हुई है, सारी रात होती रही है। ये सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम देखें बादल कितने प्यारे हो रहे थे। बिल्कुल अंधेरा हो गया था, अचानक काली घटाएँ आ गई थी। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो सोचा मैंने कहा व्लॉग बनाती हूँ आज। और ये हमने लगाए हैं खिड़की के पास अपने पौधे थोड़े से, इसमें रेड फ्लावर्स, येलो, ऑरेंज सारे आते हैं, हर कलर के लगे हुए हैं। जब आना शुरू होंगे तो दिखाऊंगी आप लोगों को सारे कलर, अभी तो एक ही कलर आया है। उसे हम देख के हमने सोचा चलो बाहर चलते हैं। तो मैं रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए। बिल्कुल मौसम देख कर तो ऐसा लग रहा था कि बाहर निकल जाओ। बारिश रुकी थोड़ी तो उसके बाद मैं चले गई थी। अभी मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ, नर्सरी जा रही हूँ कुछ घर के पौधे वगैरह लेने के लिए। तो दिखाती हूँ फिर आप लोगों को आगे चलकर कि मेरी आज की डे रूटीन पूरी कैसी रही बारिश के अंदर। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। ये देखें खिड़की से दिखाती हूँ आप लोगों को, बारिश हो चुकी है अभी। तेज़ हुई थी ये बहुत, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए हुई थी, बस रुक गई है अभी। तो बस बूंदाबांदी चल रही थी गली में, बहुत कीचड़ हो गई है, लेकिन फिर भी ये बाइक निकाल रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो फिर ही जाएंगे। सामने रक्षा आ गया किसी का, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई है बाहर। देखें गली दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितने दूर दूर तक पानी पानी जमा हो गया है, सन्नाटा बहुत हो रहा है। बारिश में सब घर में छुप जाते हैं। फिर ये आ गई थी, मैं नर्सरी आ गई थी। ये माशाल्लाह बारिश के अंदर सारे फूल इतने अच्छे खिले हुए थे, बारिश का पानी डलते ही इन पर हर जगह गुलाबी गुलाब खिला हुआ था। ये है 36B में आई हूँ मैं, जमानाबाद की नर्सरी में। अगर आप लोगों को लेना हो गमले वगैरह, गार्डनिंग करनी हो अपने घर में, तो यहाँ 36B जमानाबाद से आकर आप लोग ले सकते हैं। नॉर्मल प्राइस होते हैं इनके, इतने हाई फाई नहीं होते। ये सारा गुलाब लगा हुआ है, इनके पास देसी गुलाब कहीं नहीं मिल रहा था, बस इनके पास मिल जाता है। तो मैं प्राइस भी बताती चलती हूँ, क्योंकि अगर जिसको लेना हो तो ये 80 रुपये का एक देते हैं गमला इसमें फूल लगा हुआ हो, और अगर बिना गमले के लेना है आप लोगों को तो 60 रुपये में दे देंगे। तो और गमला अगर खाली चाहिए तो वो आपको 30 रुपये में मिल जाएगा छोटा वाला। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बारिश का। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये अंगूर की बेल लगी हुई है यहाँ चारों तरफ, और इनके पास जो है हर तरह के प्लांट मिल जाएंगे, अब इनडोर आउटडोर हर तरह के मिल जाएंगे। तो अगर जिसको लेना है तो वो जाके ले सकता है आराम से। फिर उसके बाद हमें लग रही थी यहाँ से भूख, तो सोचा कुछ खाने के लिए चलते हैं। अब फिर हम आ गए थे लाल बोर्ड पर, यही है 36B के अंदर रजा चाट वाला, इसकी आप ज़रूर चाट ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की होती है। ये थे मीठे गोलगप्पे मंगाए थे मैंने, और एक चाट मंगाई थी चना चाट। मीठे गोलगप्पों की प्राइस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 70 रुपये की एक प्लेट है, चाहे आप मीठे गोलगप्पे ले लें चाहे आप चना चाट ले लें, सबकी प्राइस 70-70 रुपये है। पार्सल भी ले सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। मैं आ गई थी घर। अब ये देखिए मैं लेकर आई हूँ गुलाब का पौधा, लेकर आई हूँ छोटा, अभी इसको ट्रांसफ़र करेंगे बड़े के अंदर। और एक लेकर आई थी मोतिया का, मोतिया जो सीज़न में आया हुआ है, बहुत प्यारा होता है फूल, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और शाम का टाइम हो गया था तो चाय बना ली मैंने, और बाहर बारिश भी हो रही है बहुत तेज़, घर आने के बाद मेरे बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुकी थी, उसके बाद बारिश शुरू हुई है। और अगर व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और मुझे बताइएगा कराची में जो जो लोग रहते हैं उन्होंने किस किस ने बारिश इंजॉय करी। तो फिर इंशाल्लाह मिलूंगी नए व्लॉग के साथ या कुकिंग के साथ ही आप लोगों से। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, कोशिश की है मैंने बनाने की कि आप लोगों को पसंद आए। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।